సింధోర్మ్యే సురబిట పిబాటి పరివృతే మణిద్వీపే నీపో పవనవతిచిత మణిగృహే శివాకారే మంచే పర్యక నిలయా భజతి లాం ధన కతి చన కతిచన నందలహరీం కతి చన शरणागत दीनात परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते देवी महात्म्य के इस भव्य परिसर को आप सभी को मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारा संस्कृति में जो अध्यात्म विद्याएं हैं उन अध्यात्म विद्याओं में हमें हमारा बुद्धि को मन को तन को सारे अवयवों को पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि अध्यात्म विद्या हमें यह उपदेश नहीं देता है कि आप घर द्वार छोड़ छोड़ दो आप सन्यासी बन जाओ आप हिमालय में जाकर के तपस्या करो यह सठीक नहीं है क्योंकि हमें जो सन्मार्ग दिखाता है किस मार्ग में हमें जाना चाहिए और हमारा मूलभूत कर्तव्य क्या है और हम मनुष्य है मनुष्य होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व क्या है न केवल परिवार को ही देखना हमारा कर्तव्य है अपितु राष्ट्र कर्तव्य भी है राष्ट्र में व्यय राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता जहां हम रहते हैं जहां हम कार्य करते हैं उस उन उन क्षेत्र में हमारा योगदान होना चाहिए और सर्वतोभावे हमारा कर्तव्य क्या क्या होना चाहिए जिसे हम धर्म कहते हैं धर्म का तो बड़ा व्यापक अर्थ है हम उन व्यापक अर्थ में नहीं जाएंगे महर्षियों का यह कहना है कि एक अध्यात्म परिवेश में रह करके भगवत चिंतन करके भगवत चिंतन के साथ अगर कर्तव्यों की संपादन हम सही ढंग से किए तो उससे बढ़कर के धर्म कोई नहीं है तो उसी अध्यात्म विद्या की कड़ी में सारे शास्त्र भगवत गीता से लेकर के वेदों पुराणों सारे शास्त्र आते हैं और प्रत्येक का मुहूर्त काया छायावत हम लोगों के निकट रहकर के हमें उपदेश देते हैं वही तो शास्त्र है उमसाम जेनोपदिशियेता तत्शास्त्रीय कि यह करो किं कर्तव्यम किम ना यही उपदेश हमें शास्त्र दिलाता है तो उसी मर्म में हम देवी पुराण की जो गाथा सुन रहे हैं जैसे ऊपर में भगवान आदित्य नारायण की प्रचंड रौद्रताप और नीचे भूमि जो होती है अत्यंत उष्ण कोई व्यक्ति कोई पथिक जब सुदीर्घ मार्ग में आता हो प्रचंड रौद्रताप और नीचे जो मार्ग है अत्यंत आतप से उष्ण आग के जैसा उस समय अगर हमारा शरीर में थोड़ा सा हल्का सा ठंडी ठंडी हवा लग जाए तो अनुभव कैसा होगा उसी भांति व्यस्त जीवन में जंजालमय जीवन में जब हम इन अध्यात्म विद्याओं की कभी कभी पढ़ते हैं सुनते हैं आलोचना में भाग लेते हैं अपनी विचार रखते हैं किनकी विचार भी सुनते हैं हमारा संस्कृति ही ऐसी है जहां पर नाना विचारों का आगमन है विभिन्नताओं में एकता तो हमारा संस्कृति है कोई कहता है विष्णु ही मुख्य है कोई कहते हैं भगवान देव देव महादेव रुद्र ही मुख्य है और भगवती दुर्गा देवी के वजह से शक्तिवादियों का यह कहना है भगवती दुर्गा ही मुख्य है तो विभिन्नताओं में एकता तो हमारी जो अध्यात्म विद्या है वह एकता की ओर हमें ले जाता है संगताम चाहे कितने जाति धर्म वर्ण विद्वेष हो लेकिन हम तो मानव है ना कोई बंदनीय है हम में ना कोई निंदनीय है हम सब एक ही है एक ही सहावस्थान में है यत्र विश्वम भवत्येक नीड़म तो हमें हमारा मन में से यह क्षुद्र भावना निकलना पड़ेगा निकालना हमें होगा कि मैं राजा हूं वह प्रजा है मैं अत्यंत धनशाली हूं वह भिक्षुक है यह क्षुद्र भावना वो वह तो क्षणिक है आज जो राजा है वह कल के भिक्षुक है और कल जो भिक्षुक है वह फिर आ, आगामी कल के राजा है यह तो परिवर्तनशील जगत है तो कहने का मतलब यह है कि हमें अध्यात्म विद्या की ओर शास्त्रों में पुराणों में उपनिषदों में क्या क्या निर्देश हमें दी गई है हमें जाना पड़ेगा और जाना ही चाहिए क्योंकि वहां पर केवल आख्यायिकाएं नहीं है भगवती की चरित्र की वंदन भगवान आशुतोष जिनको वेद वंदन करते हैं वेद वंद्य भगवान रुद्र की चरित्र की कथन जिनका चरित्र की केवल सुनने से ही जीवन में जितने भी सारे पाप ताप होते हैं वो सारे पापों का नाश हो जाता है उनका नाम में ही तो ऐसा ही है इसीलिए तो कहते हैं हे भगवन मानस तो के तनय मान आयुषी मानो गोसु मानो अश्वेश मानो वीरान रुद्र भि नो बधीर बुष्मत हे ओम आप मुझे रक्षा कीजिए मेरे पुत्रों को रक्षा कीजिए मेरे पुत्रों के पुत्रों को भी रक्षा कीजिए मेरे घर घर में मेरे पिता मेरे माता सबको रक्षा कीजिए मेरे पशुओं को रक्षा कीजिए मुझे हिंसा किसी भी ओर से ना हो यह भावना यह प्रार्थना किसे हो जो हमें रक्षा करने वाला है यो न पिता जनिता यो विधाता धामानी वेद भुवन विस्वार वही तो है भगवती वही तो है भगवान देव देव महादेव तो आज की प्रसंग में जाएंगे अब भगवती की लीला विलास की दूसरी कड़ी की शुरू हो गई है अभी ब्रह्मा के जो मानस पुत्र दक्ष प्रजापति उनके मन में अज्ञान और मूढ़ता के कारण भगवती के ऊपर अनादर भाव का आगमन हो गया है और भगवान रुद्र के ऊपर अनादर भाव मूढ़ भाव आ गया है भगवती की जो वचन थी जब आप अनादर भाव दिखाना शुरू करोगे तब वहीं से ही मेरा आपसे दूर होना होगा उसका जो व्यंजना है जो जो प्रतिभू है वो शुरू हो गया है मैं आलोचना में आलोचना में रखा था कि अभी गिरिंद्र वनिता मेरु तनया मेनका सखी भी सहिता जाता मुनीत पत्निय तथा गता अभी गिरिंद्र वना गिरिंद्र वनिता मेरु तनया जो मेनका भगवती है मेनका देवी है उनका चरित्र का आगमन हो गया है जो कि हिमालय की पत्नी है वहां विवाह संपन्न हो चुका है अभी भगवती उनके परमेश्वर के साथ दिव्य रमन में दिव्य विहारन में सारे जगत को जगत के कण कण में घूमते हुए अपनी ही द्वारा सृष्टि की गई इस जगत की और क्या क्या कमी रह गई है उनके भक्तों का क्या क्या अपेक्षाएं हैं उन सारे तत्वों को पग पग घूम घूमते घूमते देख रहे हैं आनंद में विहरण कर रहे हैं तब यह असंतोष जो मूढ़ता के कारण जो असंतोष था भगवान की भगवती के साथ विवाह को लेकर के मन में नहीं चाहते चाहते हुए भी ब्रह्मादि देवों की कारण से ऋषियों की मुनियों की प्रचोदना से अपनी बेटी को पुत्री को तो दे दिए हैं लेकिन वह मन में इतने अज्ञान इतने ही बन गए हैं उनका मन संतोष नहीं हो रहा है और नंदी को प्रमथाधिपति का पद मिल गया है इसके उपरांत जब भगवती और भगवान दोनों परमेश्वरा और परमेश्वरी करुणा वरुणालया दोनों एक होकर के सारे जगत में रमण करने लगे विवाह जो है यह अत्यंत सामान्य यद्यपि हमें दिखाई देता है हमारा दैनंदिन जीवन में हम अपने बेटियों का विवाह करते हैं लेकिन विवाह एक पवित्रतम व्यवस्था है एक पवित्रतम व्यवस्था है माने जब तक कोई विवाह नहीं करता शास्त्र के अनुसार शास्त्रीय कर्म में उनका अधिकार नहीं होता विवाह के उपरांत जब पत्नी आ जाती है तो विशेषतः शास्त्रीय कर्मों में यज्ञादि यागादि कर्मों में उनका अधिकार हो जाता है इसीलिए शतपथ ब्राह्मणों में कहा गया है दूसरे ब्राह्मणों में भी अजग्नो वही जो श्रिका जो अपनी है पत्नी रहता है या दार रहता है उनमें यज्ञ में प्रवेश करने की अधिकार नहीं है तो विवाह पवित्र तम व्यवस्थाओं में से एक है चार आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम है विवाह आश्रम है संन्यास आश्रम है और वानप्रस्थ आश्रम है विवाह जो आश्रम है गृहस्थों के लिए नितांत और अनिवार्य है जो सन्यासी है उनके लिए व्यवस्था अलग है और जो बाणप्रस्थ है उनके लिए भी व्यवस्था अलग है लेकिन विवाह जब होता है विवाह से पहले दोनों पृथक पृथक रहते हैं और विवाह के उपरांत दोनों एक और एक दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं यह तो स्वाभाविक है आप हम सब जानते हैं मम व्रतम ते हृदय दधा पति चित्तम पत्नी दोनों का चिंतन दोनों का कथन दोनों का कार्य और दोनों का संकल्पना यह एक होना चाहिए यह तो विवाह का विधि है विवाह के उपरांत जब वैदिक ब्राह्मणों का मंत्र अभिमंत्रण करते हैं मम व्रतम ते हृदय दधा चित्तम अनुचितम अस्तु मैं अपनी चिंता में जो कुछ चिंतन कर रहा हूं वही चिंतन आपकी दिमाग में भी हो मैं अपनी वाणी में जो कह रहा हूं वह अपनी वाणी में भी हो गए दोनों में एक बंधन परस्पर प्रेमानुकूल्य के अनुसार बंधन हो जाते हैं तो दोनों मिलकर के भाविनी काल के लिए एक सुगम शुभ करते हैं उसी को ही विवाह संस्कार कहते हैं तो विवाह संस्कार के उपरांत जब पति पति और पत्नी अपने आप को विचार व्यक्त करते हुए एक परिवेश उसी पर्यावरण को रखते हैं तो उनका विचार एक होना चाहिए और यहां पर देखो भगवती दुर्गा देवी या सती देवी और भगवान देव देव महादेव वो तो परमेश्वर है उनका विचार में एक, एक असंगत आ जाता है और असंगत आ जाने से जो फल होता है वो फल सफल नहीं होता अगर दोनों की विचारों में एक विचार नहीं आएगा एक संकल्प नहीं आएगा तो फल बुरा होगा उसका एक दृष्टांत हम यहां पर बोलेंगे तो अभी मेनका जी के आने के बाद में इस संदर्भ का परिवर्तन हो गया है भगवती की लीला विलास की अग्रीम जो कार्य पंथा है वह भी निर्णय हो गया है क्यों अनादर भाव दक्ष प्रजापति के मन में भगवती के ऊपर और भगवान के ऊपर अनादर भाव की आरंभ हो चुका है महर्षि लाखों समझाने के बाद में भी वह मूढ़धी दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वह अपनी अज्ञान से छुटकारा नहीं पाते हैं उधर क्या हुआ है भगवान जब विहरण करके लौटते हैं भगवती मेनका का हिमालय की पत्नी एक प्रार्थना कर लेती है प्रत्येक दिन आकर के वह भगवती को दर्शन करते हुए मन में एक विचार ना रखते हैं वह विचार क्या है ना इतनी सुंदर इतनी दिव्य इतनी भव्य स्वरूपिणी ये कौन है इनकी मन में उनको जानने की एक जिज्ञासा आती है भगवती के स्वरूप को देख करके दिव्य ललित मई रूप को देख करके मेनका की मन में उनको जानने की एक प्रबल इच्छा जागती है और उसी इच्छा की वजह से वह भगवती को एक प्रार्थना कर लेती है क्या है वो प्रार्थना कह रहे हैं भगवान व्यास कह रहे हैं मेनका समय ज्ञात्वा चानुदीन गुत्री पुत्री सततम प्राथया मा सक्ति मेनका समय ज्ञावा गानुदीनम सतीम पुत्री भाव सततम प्रार्थयामास मास भक्ति, प्रार्थ भक्ति हे भगवती हे वरुणा लया जब मैं आपको देखती हूं तो मेरे मन में क्यों कही ना कहीं ना कहीं एक चंचल जैसा उद्रेक होता है एक भक्ति का एक व्यंजना उद्रेक होती है और मुझे यह प्रार्थना करनी है कि आप मेरे घर में मेरे गर्भ में पुत्री के भाव से पुत्री के रूप में जन्म लो यह विचार को व्यक्त कर देती है भगवती के सामने हिमालय की पत्नी मेनका और भगवती है अत्यंत संतुष्टांत करना। भगवती और भगवान यह जो परंपरा है इसीलिए तो सृष्टा और सृष्टि इन दोनों में जो भक्ति है ना वो सेतु है भक्ति रूपक जैसे सिद्धांतों से या भक्ति रूपक रज्जु से प्रार्थना से संसार के संसार में जो अत्यंत क्लेशाति क्लेश कार्य है वो अक्लेश हो जाता है विराट पर्वत देशा जो कार्य होता है अगर छोटी सी भक्ति कर देते हैं हम उसी भगवती की आराधना में अपनी तन को अपनी मन को लगा देते हैं तो वो पर्वत दशा दिखने वाली जो कार्य वो सहज और सरल हो जाती है मेनका की भक्ति में विवश होकर के भगवती सती ने मेनका की अंतरात्मा को सुनते हुए कह रहे हैं मैं अवश्य अवश्य आपकी गर्भ में जन्म लूंगी तथा प्रसन्ना भूतवा तो सती शंकर गेहिनी अंगी चक्रे भविष्यामी सुता तब न भगवती के मन में पहले से ही थे हम कुछ संकल्प करते हैं कार्य करने की इच्छा रखते हैं और इसको हम कार्यान्वयन करते हैं लेकिन भगवती तो ऐसे नहीं करती वो तो अपनी कार्य अपनी संकल्पनाएं अपनी क्रियान्वयन पहले से ही करके रखती है और इसीलिए तो कहते हैं चौदयती सुन्द्रता नाम चेतनती सुमति नाम बुद्धि में जाकर के बुद्धि को चुप्रचोदन करने वाली है और मेनका भगवती को जब प्रार्थना कर लेती है तब से भगवती की अभी मैं जो कह रहा था दोनों की विचार में अगर संगति हो पति और पत्नी जब एक विचार को व्यक्त करते हो तो, तो सब सही है यह तो परीक्षित है आपके घर में मेरे घर में सारे व्यक्तियों में घर में जब दोनों की विचार में एक एकता परिलक्षित होता है तो कोई असुविधा नहीं है लेकिन जब पृथक पृथक विचार हो जाते हैं वहीं पर असंगति आ जाती है और यह तो परिपारिवारिक लीलाएं व्यक्त करते हैं भगवान जो परात्पर पर ब्रह्म है वो परिवारवाद को सारे विश्व को दिखाने के लिए पति पत्नी के रूप में हमारे सामने अभी जगत पिता जगत माता बन के बैठे हैं माने परिवारवाद को परिवार को कैसे सुसंगठित बनाना है पुत्र का क्या कर्तव्य है पुत्रियों का क्या कर्तव्य है क्या शास्त्रीय नियमों का कैसे हमारे ऊपर प्रभाव है यह परिवारवाद को विस्तृत करना कराने के लिए तो भगवान का यह दिव्य लीलाएं हैं और दिव्य लीलाओं को व्यक्त करते हैं हमारे शास्त्र अध्यात्म विद्याएं उसी भांति यहां पर जब यह थ्य में यह सब कार्य हो चुका है तब उधर जो दक्ष प्रजापति है उनके पास में महर्षि ब्रह्मर्षि नारद जी आते हैं दधीची के कहने के बाद में भी उनको तो नहीं उनका अज्ञान और मूढ़ नहीं कमा है तो नारद जी आकर के कहते हैं हे दक्ष प्रजापति हे ज्ञानी नाम अग्रगण्य आप ये क्या कर रहे हो ये अत्यंत भगवान देवदेव महादेव यद्यपि आशुतोष है फिर भी वो रुद्र है अत्यंत क्रोध है जो सात्विक प्रवृति के व्यक्ति नहीं होते हैं उनको संहार करते हैं अपने कर्तव्य में जो मन लगाते नहीं है कर्तव्य को संपादना नहीं करते हैं उनके लिए उरुद्र है पापी नो दुख भोग काले नाशयती रोदयती असौरुद्र आप ये क्या क्या कर रहे हो मैं यह सुना हूं कि भगवान आपके ऊपर अत्यंत क्रोधित है आपके द्वारा कहा गया जो कटु वचन और जो दुर्व्यवहार उन सारे के वजह से अत्यंत क्रोधित है और खूब कम समय के अंदर वो आकर के आपके सारे नगर सारे राज्य सारे प्रजाओं को ध्वंस करने वाले हैं नारद जी का तो कार्य यही है सचेतन कराना तो नारद जी का यह वचन सुन करके दक्ष प्रजापति के मन में अब भय आ गया है भयभीत होकर के अपनी सारे मंत्रियों को सारे परिषद वर्गों को बुला करके सभा में बैठ गए कह रहे हैं मैं क्या करूं अभी वर्षा भस्मा तिरक्ता नाम करीष न संशय तदत्र चेत विधेयम ही सांप्रतम रूतु मम अभी और संकल्प किए हैं तो आकर के ध्वंस विध्वंस करेंगे मंत्रियों मुझे बोलो मुझे क्या करना है तब मंत्री लोग कहते हैं देखो हम तो आपको लाखों समझाए कि नहीं यह भगवती है ब्रह्म स्वरूपिणी है और जिनके साथ में उनका विवाह हुआ है वो तो परब्रह्म है आप नहीं माने अभी क्या करना है शिवेना देव देवे न कथम एवं करते अन भी उपलक्ष्य थे हम तो इसका समाधान का कारण क्या है हमें मालूम नहीं होता है अब आप ही यह हमें बोलिए हमको क्या करना है दक्षको यह प्रश्न लोक पूछते हैं क्योंकि भगवान देव देव महादेव यद्यपि वो आशुतोष होते हैं लेकिन जो संसार में रह करके अपनी कर्तव्यों का संपादन ना करता हो जो नास्तिक श्रेणी में आते हैं उनके लिए रुद्र है इसीलिए शास्त्र विहित कर्म हमको करना है कर्तव्य हमको संपादन करना है अगर नास्तिक हो जाएंगे तो जो हमारा जन्म है जन्म का जो दिव्य उद्देश्य यह है वो सारे व्यर्थ हो जाएगा तो उनके लिए भगवान रुद्र क्या करेंगे रोदयति नाशयति इसलिए तो रुद्र है तो यहां पर हमें यह चिंतन करना पड़ेगा दक्ष प्रजापति देखो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती के पिता उनके द्वारा भी किया गया जो दोष है बहुत बार उनको सुजोग दिए हैं तो सुधरो करके महर्षियों के द्वारा ब्रह्मा जी के द्वारा विष्णु के द्वारा फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो कुछ दंड विधान करना पड़ेगा यह सोच करके भगवान नारद की द्वारा जो संवाद दिए थे संवाद को सुन करके अभी दक्ष प्रजापति के मन में भय है भय को लेकर के क्या करते हैं उसका समाधान क्या दक्ष प्रजापति अपनी विचारों को परिवर्तन में लाते हैं भगवती के पास में अपनी पुत्री के पास में जाते हैं देखेंगे या सुनेंगे अपनी अगली अध्याय में तब तक के लिए ओम सर्वे भवंत सुखि सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कस्य दुक्ख भाग् भवे ओम शांतिः 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 प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ